हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंजीनियर ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। आप जानते हैं कि इस समय एक न्यूज है ओमिक्रॉन, वो काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। आखिर ओमिक्रॉन क्या है, मतलब क्या इतनी उसकी से क्यों इतना लोग डर रहे हैं, क्या वो नया वेरिएंट कोरोना का नया वेरिएंट है, कहाँ से पैदा हुआ, उसके रीजन क्या है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसके लक्षण क्या है, उसे कैसे बचा जा सकता है, क्या भारत सरकार उस नए कोरोना वेरियंट को लेकर क्या दवा की है, इसके बारे में हम आज पूरी न्यूज जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये नया कोरोना का एक नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, ये बता दें मतलब बहुत ही संक्रामक है, बहुत ही खतरनाक है। ये वेरिएंट मतलब सबसे पहले साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ है। वहाँ के एक डॉक्टर के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट से काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मतलब इसलिए ज़्यादा संक्रामक है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, एक दूसरों में इसमें फैलने की जो ताकत है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आजकल बात यह है कि मतलब भारत भी इस वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इसमें मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं, सब मिलके मतलब इस वेरिएंट से लड़ने की मतलब क्षमता रखे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी ओमिक्रॉन के बारे में, जो कोरोना का एक नया वेरियंट है, इसके बारे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसकी अच्छे से समझेंगे, इसके इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, पहले जो कोरोना पकड़ता था उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही था, कुछ ना कुछ क्या बहुत इफेक्ट होता है, जिसके चलते आप देखें काफ़ी मतलब लोग की मृत्यु हो गई इसी के चलते। आप लोग सुने होंगे कि कोरोना का जब दूसरी लहर आया था उसका नाम था डेल्टा। उस डेल्टा से डेल्टा में मतलब पहली लहर से काफ़ी दूसरी लहर जो थी काफ़ी खतरनाक थी, जो डेल्टा था उस डेल्टा से भी लगभग 7 गुना इसकी क्षमता अधिक है। मतलब 7 गुना किसमें अधिक है, एक दूसरे में पकड़ने से, जैसे छुआछूत जो बीमारी होती है ना, मतलब एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कहा जाए तो जो डेल्टा था वो मतलब हम एक इंसान है, हमारे से दूसरे में एक जा सकता था, मतलब एक ही इंसान ट्रांसफर हो सकता था, ये जो है ना एक साथ लगभग 7 इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए इसे माना जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बताया गया मतलब इसका लक्षण कैसे होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मतलब ओमिक्रॉन का लक्षण क्या है। ओमिक्रॉन से देखिए बचने के लिए, ओमिक्रॉन से लक्षण पहचानने के एक उपाय है, इसमें क्या होता है मतलब हद से ज़्यादा थकावट महसूस होने लग रहा है, हल्का खांसी आ जा रहा है, तेज बुखार भी महसूस हो रहा है, पूरी शरीर बदन में दर्द हो जा रहा है, ये इसका मेन लक्षण है। इससे बचने के लिए मात्र आप लोग साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, हमेशा बाहर निकलिए, मास्क पहन के निकलिए, जाए विदेशी यात्राओं को इस समय जाना भी बैन कर दीजिए। अगर आपको विदेशी यात्राओं में जाना है तो सबसे पहले आपको सैंपल लाना पड़ेगा। ठीक है, सैंपल दे के पूरा चेक करा कर तब आप विदेश जा सकते हैं। इस समय भी कोई भी मतलब विदेश आ नहीं रहा है, कि जो भी आ रहा है उसके लिए क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, भले वैक्सीन और दोनों डोज लगाए फिर भी रखा जा रहा है। अब मैं बता दूं कि जो 2 वैक्सीन लगा है इसकी क्या मतलब, इसमें मतलब क्या भाग्यदारी निभा सकता है दोनों वैक्सीन, ये देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर जो 1 वैक्सीन लगवाया है, ठीक है, उसे मतलब ज़्यादा इफेक्ट, अगर जो दोनों वैक्सीन लगवाया है वो मतलब कुछ हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि दोनों वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पकड़ेगा, ओमिक्रॉन पकड़ेगा, भले दोनों वैक्सीन लगाए फिर भी ओमिक्रॉन आपको पकड़ेगा। बस अंतर ये है कि आपको जब पकड़ेगा तो इफेक्ट थोड़ा कम करेगा, और जो 7 लोगों में इसके फैलने की क्षमता है वो थोड़ा क्षमता कम हो जाएगी अगर आपका दोनों डोज कम्प्लीट है तब। अभी तक जो कोरोना का नया वेरियंट जो ओमिक्रॉन है इस समय काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। देखिए ओमिक्रॉन में मतलब काफ़ी जगह ओमिक्रॉन का चर्चा चल रहा है। ओमिक्रॉन से अभी तक बताया जाए तो 21 देश ओमिक्रॉन से ग्रसित हो चुका है। ठीक है, इसके लिए लगभग 23 देश अपने पूरे गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। ये कभी अपना सभी लोग अपना जो हवाई मतलब एयरपोर्ट है, मतलब सभी लोग अपना मतलब हवाई एयरपोर्ट पर एक अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, उसमें मतलब जो भी बाहर से आ रहा है उसको काफ़ी अच्छे से चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद अगर कोरोना निगेटिव भी निकल रहा है फिर भी उसको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस बीमारी से बचने का कृपा करें, और मतलब एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के बाहर निकले कभी भी, और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के लिए ही बाहर निकलें, क्योंकि देखिए जीवन है, जहान है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जाके हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।